तुम्हारे लिए एक बहुत बुरी खबर है। गवर्नर साहब ने तुम्हारी सजा माफ करने से इनकार कर दिया है। 11 खून किए हैं तुमने, 16 डकैतियां डाली हैं, 12 किडनैपिंग्स। कमाल है, इतने सारे गुनाह और सिर्फ एक सजा, डबल डेथ पेनल्टी। डेथ पेनल्टी का मतलब समझते हो ना तुम? फांसी भी चढ़ा जाएगा तुमको सुबह 4:30 बजे। कुछ कहना है डॉक्टर साहब? फॉर्मेलिटी पूरी कीजिए। ये मत, इस शेर को भीगी बिल्ली बना दिया है हमने, काम कीजिए अपना। His name. तुम्हारे लिए इन्हें भी लेकर आया हूं। मौत का खौफ हो, डर लगे तो बेझिझक कुछ भी पूछ सकते हो इनसे। मौत से मत घबराना, मृत्यु अंत नहीं है बल्कि अल्प विराम। 4 बज गए हैं, 1/2 घंटा बाकी है, चलें। चलो अपनी जिंदगी की किताब के पन्नों को जरा उल्टा पलटो, सोचो। कोई अफसोस है तुम्हें? शायद जिंदगी में तुमने कुछ ऐसा किया हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। जस्ट Think about it. बच्चा कितना समझदार था, स्कूल नहीं जाना चाहता था लेकिन मां ने खुद ही उसे खतरे में धकेल दिया। हाँ, हाँ बस, वैन के पीछे लगे हम लोग, ड्राइवर एकदम चंपू है। हाँ, आगे एक स्टॉप के बाद गाड़ी चिकोला की तरफ मुड़ेगी, उसके बाद ही अपना रंग दिखा देंगे हम लोग। तू तैयार है ना? अरे मैं तो पैदा ही तैयार हुआ।
बार टू गो। गाड़ी शुरू कर। रुक 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 रुक। अरे कौन? हेलो सर। अरे कौन हो तुम लोग? चुपचाप चल। क्यों धक्का दे रहे हो? हाँ बॉस, प्लान नंबर वन पूरा हो चुका है, अब टू की बारी है। बच्चों की सुरक्षा का ध्यान नहीं रख सकते हैं तो कोई हक नहीं आपको नंबर वन स्कूल कहलाने का। प्लीज शांत हो जाइए। ये मेरी बेटी ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम समझ सकते हैं, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि आपके बच्चे आपके पास सुरक्षित पहुंच जाए। और आपकी स्कूल वैन का ड्राइवर और संपत, उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराया था आप लोगों ने? अरे इनकी जिम्मेदारी हमारे बच्चे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और आपको शायद इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है मेरे हस्बैंड कितने बड़े आदमी। आपकी इस लापरवाही की वजह से वो आपके स्कूल को ताला भी लगवा सकते हैं। ये इसकी कोई जरूरत नहीं होगी। मैं एसीपी प्रद्युमन सीआईडी से। देखिए आप लोग घबराइए मत, आपके बच्चों को आप तक पहुंचाना ही हमारी जिम्मेदारी है। सर हमारे बच्चे हैं काम, लोग सुबह से इन लोगों से पूछ रहे हैं, अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है हमें। मैम आरटीओ से हमारी बात हो गई है, फुटेज मिलने ही वाला है हमें। एक बार ये पता चल जाए कि आखिरी बार वो वैन किस इलाके में देखी गई थी तो किडनैपर से पहुंचने में हमें ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। स्कूल के प्रिंसिपल ने बोला था कि आखिरी बच्चे को वैन चिकोला से पिकअप करती है, उसके आगे ही गई होगी वैन। मैप में क्या दिखता है, फुटेज देखो जरा। हाँ सर। सर वैन चिकोला से कुरु स्क्वायर की तरफ गई है सुबह 8:15 बजे। कुरु स्क्वायर से टीजे रोड और टीजे रोड से ओली फॉरेस्ट। ओली फॉरेस्ट, ये मैप में देखो, ओली फॉरेस्ट वाला एरिया कहाँ को जाता है? सर ये कोई प्राइवेट रोड है सर। प्राइवेट रोड, कितनी लंबी है? कोई 11-12 किलोमीटर। 11-12 किलोमीटर की प्राइवेट रोड, वहाँ जाने के बाद वैन वापस हाईवे पे तो नहीं आई ना? श्योर? 100%। इसका मतलब वो वैन अभी भी ओलिव फॉरेस्ट वाले एरिया के प्राइवेट रोड पे ही है, और हो ना उन किडनैपर्स का अड्डा भी वहीं कहीं है। रेडी, ओलिव फॉरेस्ट वाले एरिया पे चलो। कितना टाइम दिखा रहा है पहुँचने में? सर GPS के हिसाब से 40 मिनट। जल्दी से जल्दी फ्रेडी, हमारे पास टाइम नहीं है। तुम लोग जल्दी से जल्दी ओली जंगल पहुंच जाओ। या स्कूल बस का पता चल गया है। बस हमारी सीआईडी की टीम वहां पहुंचने वाली है। जैसे वो पहुंच जाएंगे बच्चों को अपने पास ले लेंगे, उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। हाँ लेकिन सर ओली तो घना जंगल है, हमारे बच्चे वहां पहुंचे कैसे? और सर हमारे बच्चे वहां पर कैसे पहुंचे और उनको कौन लेके गया? सर हम सुबह से इन लोगों से पूछ रहे हैं। मैंने कहा ना अब सीआईडी की टीम वहां पहुंचने वाली है। बस क्यों कम है वो भी पर मेरा बच्चा भी किडनैप हुआ। ओ, मगर आप ऐसे बाहर क्यों हैं? बाकी के पेरेंट्स के साथ अंदर क्यों नहीं? और आपने इस तरह मुझे बाहर क्यों बुलाया? सर मुझे उनका फोन आया था, किडनैपर्स का। किडनैपर्स का फोन है? हाँ सर, उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें बच्चों की जगह क्या चाहिए। क्या चाहिए उन्हें? वो लोग हमारे ऊपर नजर रखे हुए हैं, तो कहीं और जाकर हमें बात करनी होगी। मैम आपने बहुत ही समझदारी और बहादुरी का काम किया कि किडनैपर्स की बात नहीं मानी और आपने मुझे बाहर बुला लिया। बताइए क्या कहा उन्होंने? सर
सर, सर उन्होंने कहा कि... बताइए मैम, क्या कहा उन्होंने? सर, उन्होंने कहा कि उन्हें... उन्हें, उन्हें क्या? सर, उन्हें, उन्हें दया चाहिए। सर, मैं मजबूर थी सर। क्या क्या आपने? सर, मेरा बेटा किडनैप है। कौन हो तुम लोग? तुम्हारा शुभचिंतक। वैसे तो हम बहुत ही नेक और शरीफ इंसान लोग हैं, लेकिन तुम सीआईडी वाले हमें किडनैपर्स के नाम से जानते हो। सो जाओ। स्वीट ड्रीम्स। रेडी, ध्यान से, थोड़ा स्लो ही रखना। हाँ। वैन और वो बच्चे यहीं कहीं होने चाहिए। वो देखो, सामने वैन है। ये जंगल से निकल के कहाँ जा रही है? ये हमारे आते ही सड़क पर कैसे आ गई? रेडी, ओवरटेक करो और संभाल के, वैन में बच्चे हैं। ये वैन हाथ से जानी नहीं चाहिए। माय गॉड, ये वैन को क्या हो गया? इतना लहरा क्यों रही है? ओह नो! माय गॉड, बच्चे, फायर एक्सटिंग्विशर। बच्चे, बच्चे कहाँ हैं? सर, सर, लाश है। इसको गोली मारी है सीने पे। गोली किसने मारी होगी सर? ये पैसेंजर सीट पे है। यहाँ जो ड्राइविंग सीट पे बैठा था ना किडनैपर, उसी ने मारी होगी। ये दरवाजा भी खुला है, जैसे उसने हम लोगों को देखा, जानबूझ के गाड़ी यहाँ पे गिराई और भाग गया। लेकिन सर, पता कैसे चलेगा कि ये आदमी कौन है? सर, कहीं ये संपत तो नहीं? वो प्रिंसिपल ने कहा था कि वैन का ड्राइवर संपत है। हो सकता है, जब बच्चों को किडनैप किया उसी समय इसको गोली मार दी और वैन लेके। लेकिन बच्चे, बच्चे कहाँ गए? सर, बच्चों को कहीं छुपा दिया होगा। पूरी फॉरेंसिक में फोन करो, बॉडी को भिजवाओ और हम लोग वहीं चलते हैं जहाँ से ये वैन बाहर आई थी। यहां से आई थी ना वैन? एक मिनट, ये तो बड़े टायर के मार्क्स हैं। ये देखो, ये वैन के टायर का मार्क्स है और ये यहां से निकला। ये किसी बड़ी गाड़ी का है, ये ट्रक या बस था। सर, मतलब जब हम उस वैन का पीछा कर रहे थे तब शायद किडनैपर्स ने बच्चों को किसी और गाड़ी में शिफ्ट कर दी, कहीं और ले गया। बहुत चालाक है। कम से कम अभी तक हमें ये पता था कि बच्चे वैन में, हम न जाने कहाँ हैं, बस में या ट्रक में। जंगल का नक्शा निकालो। ये दो रास्ते जा रहे हैं यहाँ से, एक जीके रोड शहर की तरफ और दूसरा K70 हाईवे इस तरफ शहर से बाहर। किसी भी रास्ते से अगर वो लोग जाएंगे तो टोल नाके के CCTV फुटेज में तो दिखी जाएगा। हाँ सर, जिसमें बच्चों को किडनैप करके ले गए। समझ में नहीं आ रहा किडनैपर्स को चाहिए क्या। अभी तक कोई कॉल वगैरह नहीं आई है कि डिमांड क्या है। पूर्वी, एक काम करो, टोल नाके की फुटेज मंगवा लो। 8 बजे से 10 बजे तक देखो कोई बड़ी गाड़ी वहां से गुजरी है क्या। तब तक मैं दया को देखता हूँ, शायद कोई लीड मिली हो इस केस में।
गया सीआईडी वालों का फोन। बहुत जल्दी यह झटका लगने वाला है, मजा आएगा। स्विच ऑफ। यहाँ के वाइस प्रिंसिपल। यहाँ के? जी एक सेकंड ना। हेलो। हाँ सर, पंकज दया कहाँ है? पहले तो उसने मेरा फोन काट दिया और अभी अभी उसका फोन बंद आ रहा है। सर देखता हूँ सर, यहाँ तो नहीं दिखाई दे रहा। वहाँ नहीं? अरे यार एसीपी साहब कह रहे थे तुम्हारे साथ होना चाहिए। नहीं सर मेरे साथ नहीं है, मैं काम करता हूँ, अभी देखता हूँ। सर मैं ढूंढ रहा हूँ अभी तक तो। सर ये दया सर का फोन। क्या हुआ दया के फोन को? हाँ सर एकदम पूरी तरह से टूट भी गया सर। What? सर हाँ, दया सर की बाइक यहीं पे खड़ी है, अगर उन्हें काम था तो वो बाइक ले जाते। बाइक यहीं पे खड़ी है सर, फोन टूटा हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है सर, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है। कुछ नहीं होगा दया को, पर गया कहाँ ये? सर जब तक हम ब्यूरो पहुंचेंगे तब तक उस पोल स्टेशन की फुटेज फीड हो चुकी होगी कंप्यूटर्स में। चलो अच्छा है, एक बार उस फुटेज के जरिए बच्चों तक पहुंच पाए तो। और ये दया कहाँ चला गया है, अचानक गायब हो गया? कौन हो तुम? अब मैं यहां क्या कर रहा हूं? क्या बात, वेरी गुड क्वेश्चन दया। अब यही सवाल जरा मुस्कुरा के पूछो, कैमरे पे हो तुम, शक्ल अच्छी तो दिखनी चाहिए, क्यों है क्या नहीं? कैमरा वीडियो क्यों? वीडियो कौन? दया कैदियों के ड्रेस में। डैमिट सर, बांध के रखा उन्हें कहां पर? अब तक तो तुमने देख ही लिया होगा कि दया हमारे पास है, हमारी जेल में। आखिरी बार खाना खाने वाला है, ठीक मेरे भाई की तरह, जो इस वक्त कोलंडी जेल में कैद है। वो भी इस वक्त आखिरी बार खाना खा रहा होगा, क्योंकि कल 4:30 उसे फांसी दी जाएगी, सिर्फ तुम सीआईडी वालों की वजह से। तो अगर दया को बचाना चाहते हो तो पहले मेरे भाई को बचाना होगा, वरना ठीक 4:30 ना सिर्फ मेरे भाई को फांसी होगी बल्कि सीनियर इंस्पेक्टर दया भी फांसी पर चढ़ेगा। वो हर एक दर्द, वो हर एक तकलीफ मैं दया को दूंगा जो इस वक्त मेरे भाई पर गुजर रही है। अब दया बच पाएगा या नहीं, ये मेरे नहीं तुम लोगों के हाथों में है। और हाँ, वो मासूम बच्चे भी मेरे कैद में ही हैं। मगर सर दया सर तो स्कूल में थे, किसकी हिम्मत होगी जो इन्हें स्कूल से ले गया? जगह कौन सी है? पहले बच्चों को और दया को बचाना है, और फिर इसे ऐसी मौत दूंगा ना कि देखने वालों की रूह कांप उठेगी। क्यों दया, अब तो तुम्हें समझ में आ गया ना कि हम तुम्हें यहां क्यों लाए हैं? Now relax. सुबह 4:30 गोल्डनी जेल में फांसी। ये फांसी तो दमन को होने वाली है। ये गोली तुझे बहुत महंगी पड़ेगी दया। एक बात याद रखना, अगर मुझे फांसी होगी ना तो फांसी तो तू भी चढ़ेगा दया। दमन ना वादा पूरा करने पे तुला हुआ है, ये अपने साथ दया को भी फांसी पे चढ़वाने की कोशिश कर रहा है। मतलब सर ये बच्चों की किडनैपिंग ये सोचा समझा प्लान था सर, ताकि हम लोग यहाँ पर आए और वो लोग दया को किडनैप कर सके। एक काम करो, पूरी ताकत लगाओ और उन बच्चों को ढूंढ निकालो, और मैं जाकर हमारे ऑथोरिटी से दरख्वास्त करता हूँ कि
की दमन की फांसी माफी नहीं, कुछ देर के लिए टाल दो ताकि हमें वक्त मिले दया को बचाने का। पंकज, तुम स्कूल की सीसीटीवी फुटेज चेक करो, देखो आखिरी बार दया कहाँ पे था, किससे मिला था। ओके अच्छा, वो टोल नाके की फुटेज आ गई है ना यहाँ पे? हाँ हाँ सर। देखो 8 बजे से 9 बजे के बीच कौन कौन सी बड़ी गाड़ी गुजरी है। स्टॉप, ये ट्रक, ये 855 को गया है। ओके इसके बाद स्टॉप, ये वाटर टैंकर गया है 9 बजे, उसके बाद कोई? चलो ये 2 गाड़ी है, ये ट्रक है और ये वाटर टैंकर। आरटीओ से इसकी डिटेल निकालो पूरी। 5 तो बच गए हैं, सिर्फ 11 घंटे बचे हैं इस दमन की फांसी में। सर पता चल गया, या सर आखिरी बार किसके साथ थे? याद आया कुछ? मुझे माफ कर दीजिए, उन लोगों का फोन आया कि अगर मैंने दया सर को किडनैप कराने में उनकी मदद नहीं की तो वो मेरे बच्चे को मार डालेंगे। एक माँ हूँ, ऐसे कैसे मरने देती अपने बच्चे को? ये सब आप हमें पहले भी बता सकती थी। सर उन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाया था जिसमें मेरा बच्चा बेहोश था, मैं बहुत डर गई थी वो देख के। सर अच्छा, उन्होंने कांटेक्ट कैसे किया था आपसे? सर मेरे फोन पे एक लैंडलाइन नंबर से फोन आया था। वो नंबर दीजिए जरा आप हमें, देखो वो लैंडलाइन नंबर कहाँ का है। सर उन्होंने मुझसे वादा किया था कि अगर वो दया सर को ले जाते तो मेरे बेटे को छोड़ देंगे। सर जिस लैंडलाइन से माया को फोन आया था वो नंबर स्कूल का ही है। क्या मतलब सर, मुजरिम स्कूल से ही फोन कर रहा था? सकता अभी भी स्कूल में ही हो और हम पे नजर रखा। 7 बज गए हैं, आई होप एसीपी साहब अब तक दमन से मिल लिए होंगे। दया का भी कुछ पता चल गया? क्या हुआ सर, हमारे बच्चे कहाँ हैं? सर छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने कुछ खाया नहीं खाया। हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही पता चलेगा। देखिए हम लोग लगे हुए हैं ना, हम कोशिश कर रहे हैं, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, हमें पता है छोटे बच्चे हैं, जैसे ही पता चलेगा आपको बताएंगे। प्लीज ट्रक और टैंकर का पता चल गया सर। गुड, लेट्स गो। एवन, एसीपी प्रद्युमन, ये मैं सचमुच देख रहा हूं या मेरा ये सपना है? मेरी मौत का तमाशा देखने आए हो क्या एसीपी? सब्र करना पड़ेगा, अभी काफी वक्त है एसीपी। तुम्हारी मौत का तमाशा देखने का कोई शौक नहीं है मुझे, सिर्फ ये जानने के लिए आया हूं ये है कौन ये तुम्हारा भाई जो पैदा हुआ है और जिसने मासूम बच्चों को दया को भी किडनैप किया है, और तो और दया को फांसी पर लटकाने चाहता है उसी वक्त जिस वक्त तुम फांसी पर चढ़ोगे। समझाया था दया को मैंने, इसी हिसाब समझाया था, अब जो गलती करेगा उसको ये सब भुगतना तो पड़ेगा ही ना, जैसे मैं यहां पर भुगत रहा हूं। इसी भी देख दमन, तेरी दुश्मनी दया के साथ, लेकिन उन मासूम बच्चों ने क्या किया है तुम्हारा, क्या बिगाड़ा है उन्होंने? अभी भाई को जरूरत पड़ गई होगी तो उसने ऐसा कर दिया, और अगर सिर्फ दया की बात होती तो इतने बेबस और लाचार बन के तुम मेरे पास क्यों आते? ये तो अच्छा हुआ कि बच्चे और आज उन्हीं की वजह से एसीपी प्रद्युमन दमन के सामने झुका हुआ है। एसीपी प्रद्युमन ना आज तक किसी के सामने झुका है, ना किसी के सामने झुकेगा। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं है कौन ये तुम्हारा भाई, जल्दी बता कहां है वो मासूम बच्चे, कहां है दया, बता जल्दी नहीं तो। तो क्या ये तो क्या है एसीपी,
साथ एक ऐसा एसी भी साथ कि सुबह 4:30 बजे मेरी बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट है। पता किसके साथ? जमराज के साथ। लेकिन तुम मुझसे कुछ नहीं बोलवा सकता इसे भी। अब तू चाहे मुझे मारे पीटे गुदगुदी करे, एक शब्द नहीं बोलेगा दमन, एक शब्द नहीं। इसमें एक रास्ता है प्रद्युमन, एक रास्ता। कौन सा रास्ता? मेरी सजा माफ करवा दो इसी भी। जैसे ही मेरी फांसी कैंसिल होगी तुम्हारे ये मासूम से बच्चे बच जाएंगे, और वो तुम्हारा क्या दया वो भी बच जाएगा। चलो साहब, मेरी रिहाई की तैयारियां शुरू करो। बैंड वालों और ढोल वालों को बुलवाना, क्योंकि आज एसीबी प्रद्युमन मुझे आजाद करेगा। आजाद? कैसा लगा ऑफर एसीबी? रेडी? यही ट्रक है? हाँ सर, यही दोनों ट्रक है। चेक करो इनको। क्या हो रहा है? कौन हो आप लोग? सीआईडी? क्या हुआ साहब, हमसे कोई गलती हो गई क्या? ट्रक में क्या है? इसमें तो सर सब्जी और कुछ राशन का सामान है। सर, सब्जियां हैं। सब्जियां? हाँ। सर, इस ट्रक में भी सब्जियां हैं। कहाँ लेके जा रहे थे ये सब्जी वगैरह तुम लोग? ये तो धोला मंडी लेके जा रहे हैं हम। धोला मंडी? जी साहब। नंबर दो मैडम को। बोलो। 9820। बच्चे कहाँ हैं? कौन से बच्चे? बच्चे कहाँ हैं? वही बच्चे जिन्हें किडनैप किया है, समझे? साहब, हम इन सब के बारे में कुछ नहीं जानते। बच्चों के बारे में मालूम है कुछ? सर सच बोल रहा है सर, इसे ये सब्जियां दौला मंडी कल तक पहुंचानी है। ठीक है, इसका मतलब गड़बड़ यहाँ नहीं है, गड़बड़ वहां है जहाँ टैंकर है। सर, एसीपी प्रद्युमन, I'm sorry, but मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं कर सकता। दमन को उसी वक्त फांसी होगी जिस वक्त कोर्ट का ऑर्डर है, सजा टाली नहीं जा सकती। सर, बच्चों को और दया को? उसे किसी भी हाल में ढूंढो, तुम्हारी ड्यूटी है। तुम्हारा काम आसान करने के लिए हम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकते। ऑर्डर फॉलो करो। ठीक है सर। क्या हुआ, मना कर दिया गवर्नर साहब ने? जी सर, मना कर दिया गवर्नर साहब ने। अब आप दोनों मेरी मदद कर सकते हैं सर। आप प्लीज प्लीज दमन की फांसी थोड़ी देर के लिए टलवा दो, थोड़ी देर के लिए बस, ताकि मुझे वक्त मिले दया और बच्चों को बचाने के लिए। देखिए, हम वही करेंगे जो हमारी ड्यूटी कहती है। फांसी उसको सुबह ही होगी और 4:30 बजे, और वो भी शार। ठीक है, जो चाहे करना पड़े मैं करूंगा, लेकिन दया और बच्चों को बचा कर ही रहूंगा। निकेतन है तेरे पास? पत्ते क्यों दिखाओ? बता दे भाई, बिल्ला आता होगा, फिर हमें दया को फांसी देने के लिए तैयारी भी तो करनी है। लगता है दया तोड़ के भागने की कोशिश कर रहा है। नाकाम कोशिश, कुछ नहीं कर पाए वो, उसकी किस्मत का फैसला तो हो चुका है, 4:30 बजे सुबह मरेगा वो। We'll be right back.
आवाज क्यों बंद हो गई? कहीं दया खिचड़ी तो नहीं पका रहा है? चल 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 चल। कभी जलते दिए को बुझते देखा है दया? वो ठीक बुझने से पहले बहुत तेज फड़फड़ाता है, वही कर रहा है तू, वही। चेक करो टैंकर, देखो बच्चे कहाँ है, देखो। क्या हो रहा है सर? बच्चे कहाँ? कौन से बच्चे? कौन से बच्चे सर? झूठ मत बोल सर, टैंकर में पानी है, बच्चे कोई नहीं है साहब। झूठ मत बोल, बच्चे हैं इसमें। सर इसमें किसी बच्चे की वाटर बॉटल और स्कूल बैग है। अरे बच्चे कहाँ? नहीं नहीं सर, झूठ मत बोल, बच्चे कहाँ? नहीं मालूम सर, आपको नहीं पता। अरे क्या कर रहे हैं आप? बच्चे कहाँ? नहीं पता। उनसे क्या पूछते, मुझसे पूछो बच्चे और दया कहाँ है, मुझे पता है। डालो इसको गाड़ी में, यही बताएगा बच्चे और दया कहाँ है। चल सर, सर प्लीज थोड़े धीरे चलाइए ना, मुझे डर लग रहा है। 4 घंटे का सफर 2.5 घंटे में पूरा करना है, चुपचाप बैठा रहे, गाड़ी धीरे नहीं हो सकती। सर ये क्या कह रहे हैं आप? थमन की फांसी टालने के लिए हमें कानून तोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक सुना तुमने पंकज। और एक बात, जब एसीपी प्रद्युमन कानून तोड़ने की बात करता है तब उसके पीछे कोई ठोस वजह होती है। और तो और, किसी भी हालत में उन मासूम बच्चों को और दया को बचाना है और दमन को फांसी पर लटकाना है। चलो इतना तो समझ में आया कि एसीपी प्रद्युमन बहुत बड़ी तोप नहीं है। मेरी फांसी नहीं रुकवा पाया वो, चलो कोई बात नहीं, लेकिन इस बात की खुशी जरूर है मुझे कि मेरे साथ दया भी फांसी चढ़ेगा इसी समय। Oh no. सर अब क्या करें, ये दमन को तो भगा भी नहीं जा सकते हम लोग यहाँ से। ना दमन को हमें बचाना है पंकज, हमें सिर्फ वक्त चाहिए उसकी फांसी टलवाने के लिए, ताकि अभिजीत दया और बच्चों को बचा सके। मगर फांसी टालेंगे कैसे? ट्रांसफॉर्मर। सर 4:20 हो गए, जल्दी सर। बस पूरे पहुंचने वाले हैं। जैकी बच्चे वहीं पे है ना? अरे सर बच्चे वहीं हैं जहां पर दया है। दया, वैसे अब तुम्हें कुछ दिखाई तो देगा नहीं, लेकिन तुम्हारी जनरल नॉलेज के लिए मैं एक बात तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा जल्लाद मैं नहीं, कोई और है, कोई और। दमन का भाई आ गया।
लगाओ कपड़ा इसके चेहरे से ताकि ये अपने जल्लाद से नजरें तो मिला सके। विक्रम तुम कल इसको बाहर जैकी अलबारा ले गया बच्चे कहाँ हैं? सर इस तरफ इस तरफ। तुम लोग बच्चों के पास जाओ मैं दया को देखता हूँ। अपने भाई से बहुत प्यार करता है ना तू? हाँ मुझे दमन का दर्द है उसकी मौत देना चाहता है मगर अफसोस तेरे इस इरादे को कामयाब नहीं होने दूंगा क्योंकि आज मेरे मरने की तारीख नहीं है। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा कमाल का है दया। मौत तुम्हारे सर पे है और चुटकुले सुना रहे हो। कौन आएगा यहां पे तुम्हें बचाने? आएगा नहीं आ गया सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत दया का साथी। आज दया के मरने की तारीख नहीं है। आगे मत बढ़ना वरना मैं लीवर खींच दूंगा। गन नीचे रखो। क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? हम लोग को मालूम है दमन तुम्हारा भाई नहीं है फिर भी ये सब कर रहे हो। भाई से बढ़कर है वो मेरा। उसने मुझे सड़क से उठाकर मुझे यतीम को पाला है अच्छी परवरिश दी इस जुर्म की दुनिया में नहीं आने दिया उसने मुझे। अगर मैं अपने भाई को बचा नहीं भी पाया ना तो इस दया को मारकर उसका बदला लूंगा। मगर इस सबके लिए बच्चों की किडनैपिंग क्यों की? तुम्हें फंसाने के लिए मैंने बच्चों की पानी की बोतल में गैस भर दी थी ताकि वो बेहोश हो जाए और फिर मैंने माया को भेजा तुम्हें बाहर लाने के लिए। सब कुछ मेरे हिसाब से चल रहा था। सर यहां सर ये क्या कर रहे हैं आप? शाम सर्किट 1 2 3। ये लाइट कैसे चले गई? एसीपी प्रद्युमन तो ये सब आपका किया था? जी हाँ जेलर साहब। बुलौंडी जेल की बिजली चली गई है और दमन की फांसी अभी रुकी हुई है। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना तो मुझे मार दे। उन बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? बच्चों से बहुत लगाव है ना तुम्हें। तुम्हारी नजर के सामने इन बच्चों को एक एक करके तड़पा के मारूंगा मैं। जा बच्चों को लेकर आ। लमत इधर इधर इधर। किधर है? फर्स्ट रूम। बच्चों सीआरडी सीआरडी आजा इधर हो। तुम लोग ठीक हो? हाँ हाँ। बच्चे कहाँ चले गए? अंदर जाओ चेक करो। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत से मासूमों की जान बचाई है ना दया और तुम्हारे करियर का अंत इस दाग से होगा कि तुम इन सब बच्चों को नहीं बचा पाओगे दया। बिना बताए कहाँ गायब हो गए थे? इतने परेशानी में थे हम लोग। हर बार यही करते हो। तुम लोग हो ना मुझे कुछ नहीं हो सकता। रेडी? बच्चे? हाँ सर सब बच्चे सही सलामत है। क्या कहा था मैंने? आज ना मैं मरूंगा और ना ही बच्चों को कुछ होगा। जेलर साहब
दमन को फांसी होगी और दया और बच्चे भी सेफ है। आई एम हैप्पी। इतनी भी कोई हैप्पी न्यूज नहीं है एसीपी प्रद्युमन। तुमने कानून तोड़ा है, तुम पर और तुम्हारी सीआईडी टीम पर एक्शन लिया जाएगा। सर, इस देश से जुर्म को मिटाने के लिए दया जैसे ईमानदार और जांबाज ऑफिसर की जरूरत है सर। ऐसे ऑफिसर को कुर्बान नहीं होने देते सर। मैं तुम्हारी बात मानता हूँ एसीपी, लेकिन प्रोटोकॉल भी तो कोई चीज है ना सर। अगर किसी जाबाज और ईमानदार ऑफिसर की जिंदगी का सवाल है, तब एसीपी प्रद्युमन उस प्रोटोकॉल को बार बार तोड़ेगा सर, बार बार तोड़ेगा।